बेरोजगारी। Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। दोस्तों, झारखंड में जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा वह है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी की समस्या। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बेरोजगारी की समस्या राज्य को खोखला करना शुरू कर दिया है। अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो झारखंड की पॉपुलेशन अब अप्रोक्स 4 करोड़ हो गई है। वहीं अगर यूथ पॉपुलेशन की बात करें तो झारखंड में 50% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन एक समस्या झारखंड में बनी हुई है, वह है बेरोजगारी। झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट महीने दर महीने बढ़ता ही जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है और इस बदलते जमाने में खुद को रिलेवेंट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ झारखंड खनिज संपदा के मामले में सबसे अमीर राज्य है, वहीं दूसरी तरफ यहां बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, झारखंड की ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि झारखंड कई वर्षों से इस प्रॉब्लम को झेल रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है पेंडिंग एग्जाम्स। यहाँ कई एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हुए हैं, या कैंसिल हो गए, या उनके रिजल्ट ही आना बाकी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन सारे स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम्स देकर खाली हाथ रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम 9 साल से रुकी हुई है, 2015 में निकले इस विज्ञापन की परीक्षा अब 2024 में होने वाली है। 2015 में आए इस नोटिफिकेशन की नियुक्ति कम से कम 2017 तक तो हो जानी चाहिए थी, पर उसको अब 9 साल बीत गए हैं। सरकार वादाएं करती है, घोषणाएं भी करती है, बड़े बड़े मंचों से विश्वास न करने लायक ऐलान भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को सफलता से तय कराना, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। असल में झारखंड के अंदर बेरोजगारी की समस्या पहले से ही गंभीर थी, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना महामारी में बीते हैं, उससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। कोविड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन सारी बातों का ब्लेम कोविड पर डाला नहीं जा सकता। दोस्तों, साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के यूथ पॉपुलेशन में 68% लोग बेरोजगार थे, और ये तो सिर्फ उन लोगों के आंकड़े हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं ढूंढ पाते। इसके अलावा झारखंड में ना जाने कितने ऐसे बेरोजगार लोग मौजूद हैं जिनकी गिनती पढ़े लिखे ना होने की वजह से लेबर यानी मजदूर वर्ग में की जाती है, और आज उनके पास मजदूरी का भी पर्याप्त काम नहीं है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 50% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र के है। यूथ पॉपुलेशन किसी भी राज्य के लिए ताकत होता है, ये अपने दम पर अपना कैरियर बना सकते हैं, ये राज्य के इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स, ये तभी हो सकता है जब उन्हें काम करने का मौका मिले, लेकिन यहाँ के अधिकतर युवा परेशान हैं, तनाव में हैं, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। वो बड़े बड़े डिग्रीज लेते हैं, अपनी पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद उन डिग्रीज को लेकर बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई नो रिप्लाई मोड में जिंदगी जीते रहते हैं। यानी वो अप्लाई तो लगातार करते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें ढंग का रिप्लाई नहीं मिलता। दोस्तों, इन तमाम चीजों में एक और सबसे बड़ा रीजन है, और वह है युवाओं में स्किल्स की कमी होना, और जिसकी वजह से पढ़े लिखे युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। दोस्तों, आज से 10 साल पहले इंस्टाग्राम कहाँ था, यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, ये लोगों को मजाक लगता था, पर आज लोग गेम खेलकर करोड़पति बन रहे हैं। और इसी तरह आप भी इंटरनेट की दुनिया पर कदम रखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारी क्राइटेरिया है कि आपको वीडियो एडिटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए। इनमें से आपके पास कोई भी स्किल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की। दोस्तों, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो अच्छे पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों को हायर करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रह जाते हैं, और इसका बड़ा कारण यह है कि इनके पास डिग्री तो है, लेकिन जॉब पाने और काम करने के लिए जो स्किल चाहिए होते हैं वो इनके पास नहीं होती। दुर्भाग्य से स्कूल और कॉलेजेस के अंदर वो चीजें पढ़ाई या सिखाई नहीं जाती जिन्हें आजकल की कंपनियां अपने हर एक एम्प्लॉय के अंदर देखना चाहती है। फिर इसका नतीजा ये होता है कि युवाओं को डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और जिन लोगों को नौकरी मिलती भी है, उनमें से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते,
कई बार हम ऐसे न्यूज सुनते हैं जहां पीएचडी होल्डर भी उनकी नौकरी के लिए लाइन में लगते हैं, क्योंकि ये नौकरी सरकारी नौकरी होती है। और जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा निकालते हैं तो बुरा लगता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।